जब जब हजारों साल पुरानी किसी चीज को छेड़ा जाएगा तो कुछ न कुछ तो होगा। पेड़ों पे अचानक चेहरे दिखने लगे और ये झूले की आवाज क्यों खींच रही है स्मृति को? आगे मत जाना, ऐसी चीज दिखने वाली है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। आखिर क्या देख लिया स्मृति ने? दिया? हाँ? और कितनी खुदाई बाकी है? अभी तो काफी हद तक खुदाई बाकी है स्मृति। ये जगह मेरे लिए काफी दिलचस्प है। वाकई मुझे तो लगता है कि किसी जमाने में ना यहाँ किसी प्राचीन संस्कृति की खोज की गई होगी। हाँ अच्छा गाइस, मैं वहाँ देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है। मैडम मैडम मेरी मानिए तो खुदाई बंद करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये ठीक कह रहा है मैडम, आप जिस जगह पर खुदाई करवा रही हैं, यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। क्या? जी मैडम। अब इस तरह मुर्दों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। अरे हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ तो एक नगर बसने वाला था। नगर? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर खुदाई करना मना है, फिर भी आप लोग। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मनुष्यत आप सब लोगों को बहुत भारी पड़ेगी। ये मनुष्यत नहीं है, ये एक महान खोज है। कहाँ गया वो चेहरा? अभी तो यही था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं? फिर से वही चेहरा? साथ
कैसे? नक्शे में तो नहीं था। कमाल है, इतना बड़ा किला है और नक्शे में इसका नामो निशान नहीं है। ये तो चूल्हे की आवाज जैसी लग रही है। कहीं किले के अंदर से तो चूल्हे की आवाज तो बंद हो गई। फिल्म स्टार माया, यहाँ
माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, माँ जी। ये तो मर गई। कोई किला विला नहीं है, है! मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा किला है। चलो चलकर देखते हैं फिर। नहीं, नहीं, वहाँ बस खतरा है। हम चलते हैं, हम चलते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ चलो चलकर देखते हैं, चलो। चल मार के सब कुछ कुछ नहीं होगा, चल चल। वो मार दे। कुछ नहीं, चल। मैं कह रही हूँ ना, वो मार दे। चल। यही तो था वो किला, पता नहीं कहाँ चला गया। किला तो दूर, मुझे तो यहाँ एक ईंट भी नजर नहीं आ रही है। देखिए मैडम, हम यहाँ पर बचपन से रहते आए हैं, अगर यहाँ पर कोई किला होता तो हमें जरूर पता होता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ये देखो मेरा पैर, वही किले में छूट गया था। क्या तुम लोगों को अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? Of course not, Smriti. अगर हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? लेकिन यहाँ कोई किला नहीं है। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? स्मृति, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो हम वापस गेस्ट हाउस चलते हैं। हाँ स्मृति, चलो चलो। यही पर था वो किला। ये लो मैम साहब। आज न्यूयॉर्क में हुए कार हादसे में मशहूर एक्ट्रेस माया की मौत हो गई है। वो केवल 25 बरस की थी। माया न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने आई थी। कौन जानता था कि छुट्टियों के ये दिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित होंगे।
स्मृति, तुम्हें तुम्हें माया की मौत के बारे में पता कैसे चला? हाँ स्मृति, बोलो ना। कहीं आपको माया की मौत का पूर्वाभास तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो पूर्वाभास नहीं था। मैंने माया की लाश अपनी आंखों के सामने देखी चूल्हे पर। पर माया की मौत तो न्यूयॉर्क में हुई, तुमने उसकी लाश यहाँ कैसे देख ली? यही तो मैं अभी समझ नहीं पा रही। अब अभी से थोड़ा आराम करने दो स्मृति, तुम प्लीज जाकर थोड़ा सो जाओ। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू, जाओ सो जाओ। उसी चूल्हे की आवाज। कह रही थी ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा। मगर अगर माया की लाश यही है तो न्यूयॉर्क में उन्हें किसकी लाश मिली? ये चूल्हा अपने आप कैसे चल रहा है? लाश कहाँ गायब हो गई? ये आदमी कौन है? जिंदा जिंदा कैसे हो गई? मैं मरना नहीं चाहता, कोई निकालो मुझे यहाँ से।
मेरी मदद करो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मत मारो, मत मारो मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.